टाइम क्यों नहीं अप्लाई होती है ना, दूसरों से दूसरों के घर में या दूसरों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं। इवन आप कार्डियोलॉजिस्ट को भी फील कर देंगे, उनको सजेशन देंगे नहीं ये नहीं ऐसे ट्रीटमेंट करो, और अपने घर में सेम प्रॉब्लम, दूसरे के घर में बच्चे की कोई प्रॉब्लम, क्या सजेशन है, और अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो ऐसा क्यों है? हम सबको पता है खुशी जैसी खुराक नहीं, सबको पता है, फिर भी चेहरे अभी भी स्माइल तो कर लो। बिल्कुल, अब ये सिचुएशन लेके रहो, हर एक के घर में होती है, चाय का कप गिर जाता है, ठीक है। अब आप सिनेरियो देखो तो आपको समझ आएगा कि हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर ये कप बच्चे से गिरे, हाँ जी क्या कहोगे? डांटेंगे और कहेंगे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मोबाइल फोन को फेंक दो। यस यस सर। सेकंड सिचुएशन, आपसे वो कप गिरे, थोड़ा अफसोस करेंगे, कई काम में सोच रहा था, फोकस था, बहुत टेंशन होती है, तुम्हें नहीं पता। अब यही कप आपसे गिरे और आपकी धर्म पत्नी साथ में हो, अब बताओ सिचुएशन चेंज होगी? तीसरी, आपके धर्म पत्नी से गिरे, आप भी साथ में खड़े हो, कोई बात नहीं। कितना काम का प्रेशर तुम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, देखो इसीलिए गिरा है ये, और रखा किसने यहां पे, ठीक है। दूसरे से गलती हुई हम ब्लेम कर रहे हैं, खुद से हुई तो हम दूसरों को कह रहे हैं। अब फोर्थ सिचुएशन, आपके घर में गेस्ट आए हैं, सेम कप आपके बच्चे से गिरता है, नाउ हाउ विल यू बिहेव? हाँ जी, कोई बात नहीं बेटे, दूसरा ले आएंगे। हाँ दूसरा ले आएंगे, कोई बात नहीं बेटे, उस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे, गेस्ट करके बाहर फिर शुरू। अब आपका बच्चा भी घर के बाहर भागेगा। क्यों? पता है कि मम्मा और पापा में जो ये वाले दैवी गुण या एटिकेट्स है ना, ये तब तक है जब तक गेस्ट है। जैसे ही गेस्ट बाहर गए हमारा ओरिजिनल वर्जन चालू। अब देखो सारी सिचुएशंस में नुकसान किसका हुआ, कप को कितने का आएगा, 10, 20, 50, 100, पर उसके बीच में मैंने क्या किया, इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, क्या उससे वो कप ठीक हो जाएगा, क्या उससे वो सामने वाला चेंज कर जाएगा, क्या लगता है आपको? कहने से हम लोग सुधरे कभी बताओ? हम लोगों को भी सबने सुधारा, हमारे बड़ों ने, हम सुधरे, कब सुधरे? जब खुद को समझ आए। एक बाप अपने बच्चे को सुधारता है, बच्चा नहीं सुधरा, 25 ईयर्स बाद बच्चा चेंज हो जाता है, उसका बाप थोड़ा खुश होकर बोलता है देखा मैंने सुधारा इसको, और बच्चा अंदर में क्या सोचता है, पापा क्या सोच रहे हो, धक्के खाए हैं, किसी ने चोट पहुंचाई है, तब जाके मुझे अकल आई है। अब पिता ने अपना फर्ज निभाया, नो डाउट, 25 इयर्स में उन्होंने अपनी हेल्थ को कैसे डिटेरियरेट कर दिया, क्या एनर्जी क्रिएट की, क्या फायदा हुआ? हम लोग जब तक ये नहीं समझते, मेटीरियलिस्टिक चीजें ये अलग है, ये चीज अलग है, लैपटॉप अलग है, मैं अलग हूं, इसको कुछ लॉस होगा तो फाइनेंशियल लॉस है, बट यहां पे कुछ लॉस होगा तो मेरी बॉडी को, मेरे संस्कारों को लॉस है, क्योंकि नेचर बनती जा रही है गुस्सा करने की। एक बार गुस्सा करने में 72 घंटे 72 आवर्स लगते हैं, वो नेगेटिव अमाउंट टिप 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 करके निकलता जा रहा है, और अंदर में इतनी नेगेटिविटी है। इसको और एग्जांपल समझ लो, जैसे कईयों का ऑरा बड़ा नेगेटिव सा फील होता है, तो ज्यादा एंगर फ्रस्ट्रेशन जो लेके बैठे हैं ना, उनसे मिलके भी ऐसे होता है ये जा रहे हैं, और कईयों से मिलके होता है ये तो बैठे ही रहे, बात भी नहीं होगी, फर्क क्लियर है। और 96 आवर्स लगते हैं वो एनर्जी दोबारा बनाने में। अब आप सोचो हम दिन भर कितना गुस्सा करते हैं। हाँ जी, तो अब थॉमस एडिसन है ना, अब इनके मदर ने भी क्या किया, इनको जब कॉलेज से स्कूल से निकाला गया
उन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर पर क्या लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल नालायक है, स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं, क्योंकि मदर ने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। व्हाट शी सेड, तुम्हारे टीचर ने कहा तुम्हारा आईक्यू इतना हाई है तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा इतना हाई आईक्यू की वजह से। और देखो उन्होंने क्या क्या डिस्कवर कर डाला। एंड जब उनके मदर की डेथ हुई तो एक बार कवर देख रहे थे तब उन्हें वो लेटर मिला और उन्होंने रियलाइज हुआ कि उनके मदर ने उस नेगेटिव स्टिमुलस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, आपने उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, हर एक चीज पे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे क्रिएट करना है। प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में है, इसलिए कहते हैं गिरते ही शहसवार ही जन्म के मैदान में, वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी और फेस भी उसे करना पड़ेगा जो लीडर्स बनेंगे। प्रजा को किसी ने क्या कहना है, कायन है तो 5 पांडवों का या कौरवों का जो 100 थे, बाकी जो उनके साथ प्रजा थी उनको तो बस एक नंबर ही लिख देते हैं, 10 करोड़ होगी, 20 करोड़ होगी। तो हमें लीडर बनना है, यस और नो? यस सर। गुड। अब एक सिचुएशन है, अब इस बच्चे को आप सबने बोला अपने घर पे कि मैं तुम्हें आज शाम को चॉकलेट लेके आऊंगा। शाम को एज यूजल काम का प्रेशर, किसी ने बोल दिया, डांट दिया, भूल गए। अब बच्चे का फेस शाम को कैसा होगा, उदास, गुस्से में। मॉर्निंग में आपने बोला लेके आऊंगा तो खुश। दोनों सिचुएशंस में मिला उसको चॉकलेट? नहीं। फिर भी किसने क्रिएट किया? मन ने। सिर्फ सोचा और फेस पे एक्सप्रेशंस आ गए। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है ऑटोमेटिकली अपने आप को, माइंड को स्विच करो पॉजिटिव बात की तरफ, उस व्यक्ति से, उस जगह से मुझे क्या बेनिफिट आज तक हुआ है। जब आप उन चीजों को याद करोगे तो रिलेशंस भी बन जाएंगे। हम हमेशा नेगेटिव चीज को याद करते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बस वही पकड़ के बैठे, अच्छी चीज दिखाई नहीं दे रही। एक जगह लोगों को बुलाया गया, कहते इस वॉल को देखो, व्हाइट वॉल को, आप बताओ क्या दिख रहा है आपको। तो सबने कहा, उसमें ना एक हल्का सा ब्लैक डॉट था, सबने कहा ब्लैक डॉट। तो वहां जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा देखो पूरी व्हाइट वॉल आपको दिखाई दे रही, सिर्फ एक ब्लैक डॉट ही दिखाई दे रहा है। आप कहते कि पूरी सुंदर कितनी वॉल है, इस पे ये ब्लैक डॉट अच्छा नहीं लग। मीन्स परमात्मा यहां हमें सिखाते हैं कि जो हीरा होता है ना, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो क्या करते हैं, उसको कट किया जाता है, उसकी जो इम्प्योरिटी है या डिफॉर्मिटी वो रिमूव नहीं हो सकती। बट वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी, कि अगर हमें कोई कमजोरी है ना, हमें कट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ खुद के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अब ये बच्ची है, इसको पता लगा कल इसके स्कूल में एग्जाम है, अब इसका चेहरा उदास। मॉर्निंग में स्कूल गई, टीचर ने कहा नहीं एग्जाम पोस्टपोन, अब एग्जाम जस्ट पोस्टपोन हुआ है। तो लाइफ में सिचुएशंस ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, कहीं राहु केतु कोई उपाय करवा लोगे कुछ नहीं होने वाला, ये याद रखना। और फिर चलता जाएगा, राहु केतु मींस व्हाट, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, वी आर जस्ट सेइंग कि उनकी वजह से आ रही है, जस्ट अंडरस्टैंड इट। मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मैंने कहीं ना कहीं बोया है, जैसे बीज बोया तो उसका फल काटना है। सो आई हैव टू फेस ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंस, बट मुझे ये समझना है कि जो मेरी रिएक्शन है दैट शुड बी वेरी नॉर्मल। अगर वो ब्लैक बॉल मेरी तरफ आई, मैंने उस पर वही रिएक्शन दी तो कार्मिक अकाउंट तो पड़ेगा, क्योंकि साइंस भी कहती है जितनी जोर से आप ब्लैक बॉल कोई बॉल फेंकोगे, जितना फेंकोगे आप जोर से ऊपर उतना नीचे आएगी, उससे ज्यादा फोर्स से नीचे आएगी, है ना। तो यहां पे समझते हैं, अब एग्जाम्स का फियर इसके मन में कहां से पैदा हुआ बताओ, ये नेगेटिव स्टिमुलस एग्जाम्स का कैसे पैदा हुआ। आप में से भी कहीं और को अपने कॉलेज टाइम की स्मृति आ रही होगी, याद आ रहा होगा एग्जाम, नो क्यों, क्योंकि हमने सीखा। छोटे बच्चे को पता ना स्ट्रेस क्या है, बच्चे का एग्जाम है, हमारे घर में टेंशन,
कल अल्लाह का एग्जाम है, घर में बिल्कुल साइलेंस होनी चाहिए। बच्चे को क्या सिखाया, इफ यू हैव नॉट परफॉर्म वेल तो तुम्हारा बच्चा नहीं, कल से घर नहीं आना। अब बच्चे के लिए एग्जाम मतलब अगर परफॉर्म नहीं किया तो मम्मी पापा मुझे घर से निकाल देंगे। अब वो किस फियर से गया, डर से, कि एग्जाम मतलब टेंशन फियर अगर क्रिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें वो क्रिएट होता है। अब प्रदुमन भाई जी हमारे जो रहते हैं, अब ये बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये कहते हैं बच्चों एग्जाम है ना, रिलैक्स। तभी आप स्कूल में कॉलेज में सीनियर बनोगे, जितने सीनियर होगे उतने आपको आके सल्यूट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। और एग्जाम्स के बाद ये कहते हैं हम बच्चों आपको घुमाने लेके जाएंगे। अब बच्चे भी खुश कि पापा तो बड़े अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जाम दो और घूमने चलेंगे। अब बच्चे भी एग्जाम में ना दिखाई देंगे, क्या दिखाई देगा, देखो बात तो वही थी, सिर्फ एटीट्यूड चेंज किया। तो यहाँ पर जब ये चीजें बेसिक सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों के बिहेवियर में भी चेंज होता है। हर एक की लाइफ में देखो ना, बचपन से लेके अब तक किस किस को लगता है कि आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, किसी को नहीं लगता, सभी को लगता, सबको लगता। अच्छा किसको लगता है कि मानते हैं, एक मंडल हो दो जिनके बच्चे कहते हैं। अब क्यों मानते हैं, कहीं ना कहीं हम ही तो बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चा किससे सीख रहा है, हम ही लोग, हमसे ही तो सीख रहा है। हम जो चीजें सिखाएंगे वो बनते जाएंगे, हम जैसे वर्ड्स बोलेंगे वो भी बोलना स्टार्ट करेगा। हमारे मन में वहम है कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपका बच्चा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसीलिए बेस्ट टाइम है कि आज अगर हम इस चीज को समझ ले तो हम अपना एटीट्यूड चेंज कर ले तो हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। मानस स्टिमुलस, उस पर रिस्पॉन्स आपको करना है। अब हमें कोई भी आए तो उसके बीच में चॉइस है, जैसे आप में से किसी को गुस्सा दिलाना हो कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड, सिर्फ एक वर्ड ही कहना है, तुम्हारी शक्ल देखो कैसी लग रही है बस। और खुश करना है आपको तो भाइयों को आप सलमान खान लग रहे हो, बहनों के टीना कैसी लग रही हो, बस खुश, चेहरा मुस्कुराने लगेगा, कुछ भी करवा लो उसके बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, वो चाहे मुझे खुश करे वो चाहे मुझे उदास करे। सिंपल, हम अपने आप से पूछे क्या हम रिमोट कंट्रोल बन गए, कैसा भी कोई कंट्रोल करेगा तो फिर तो भाई गड़बड़ है। फिर हम में और रोबोट में फर्क क्या है, एक व्यक्ति तैयार होकर जा रहा है किसी मैरिज फंक्शन के लिए, एक गाड़ी आती है, कीचड़ उछाल के उसके कपड़ों पर गिर जाता है। नाउ उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो घर जाके ड्रेस चेंज करे या उसी गंदी ड्रेस में जाए और सबको बताए कि एक पागल गाड़ी वाला ऐसे जा रहा था, कीचड़ उछाला और मेरे कपड़े खराब कर दिए। नाउ कौन सा ऑप्शन बेटर है, घर जाके चेंज करना है ना, मतलब बताना अच्छा नहीं है। तो सुबह मॉर्निंग में घर में कोई बात हो जाती है, आप पे यहाँ टिक जाती है तो पूरा दिन क्यों सुनाते रहते, पता है आज मेरा मूड क्यों खराब है। कपड़ों में तो समझदार निकले हम सब, पर मूड के केस में सबको बताएंगे, सारे रिलेटिव्स, पता है कैसे घर वाले मिले हैं, कैसे धर्म पत्नी, वो भी कैसे घर वाला मिला है, समझ ही नहीं है। और बच्चे तो देख लो उसी की फैमिली में होंगे, हमारे वाले तो सही थे सारे, सब कुछ सुना देंगे। एनर्जी किसकी खराब, दिमाग किसका खराब, और बड़े खुश हो रहे हैं कि देखा मैंने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। आप ट्राई करना अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल के भी कितनों को शांति मिली, उसके बाद और नेगेटिविटी आएगी, बिकॉज जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो भी तो गेन कैरिंग नेगेटिव एनर्जी। टू स्पीक दोस वर्ड्स आई हैव टू क्रिएट दैट नेगेटिव इमोशन, ऐसे तो नहीं है ना, नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर अगेन माई बॉडी इज अगेन बर्निंग। तो मुझे देखना है इन चीजों में कैसे करेंगे, एक बार आप वीडियो जरूर देखें, आवाज नहीं आ रही उसमें, बहुत सुंदर लग रही हो प्रिया, थैंक यू सो मच, कितनी प्रीटी साड़ी है, थैंक्स।
ही चीज है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कई बार किसी को बुखार हुआ, कोई आया, अरे टेस्ट करा लो कहीं तुम्हें ये ना निकला है। टेस्ट करा क्या है, टेस्ट इज ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे से सुना। किसी ने भी मैंने देखा कि किसी ने आपस में भी बात नहीं की, तो कितनी ये मतलब अच्छा एक एटमोसफियर बन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी समय तैयार हो गए, और ये इतने अच्छे तो आप बहुत लकी होंगे, ऐसे मालिक आपको मिले हैं। तो इन्होंने सोचा कि हाँ यार, जो अगर आप ये करोगे ना तो हमारे बंदों में भी बहुत ज्यादा खुशी आएगी, उनको भी रास्ता मिलेगा, उनमें भी पॉजिटिविटी आएगी। तो मैं इनका बहुत ताकि पहली बार आपने ऐसा किया होगा, देखा होगा, सुना होगा, बिल्कुल सामने सजीव, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा फैशन कहना पड़ेगा। इत्तेफाक से वो अगर किसी को कुछ कमी रह गई है तो कल आ सकता है, कल भी आएंगे डॉक्टर साहब, कल के लिए भी हमने रखा हुआ फैशन। ऑलरेडी हमारे पास बंदे हैं, दुबे जी ने लिस्ट बना के रखी हुई है। तो मैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका जी बड़ा मूल्यवान समय आपने हमें दिए जी, और काफी अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा उस सबके लिए। ये अपनाना पड़ेगा जी सबको, इतनी पॉजिटिविटी तो लानी ही पड़ेगी सबको जी। अगर हम रहेंगे गुस्सा, ये सब चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हाउ टू कम आउट ऑफ दैट जी, वो आपने सिखा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।